हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन गुरु। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको जैसे पता है कि लाइक मास्टर कैडर का एग्ज़ाम आने वाला है ना, तो जल्दी से उसकी डेट्स आ जाएंगी। तो आज हम उसका केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, उसका जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। उसको हम डिटेल में बात करेंगे, उसके साथ थोड़े ट्रिक्स सीखेंगे, किस चैप्टर से आ रहा है वो बात करेंगे, और उसके अलावा ये देखेंगे कि उसको कम टाइम में कैसे सॉल्व करा जा सकता है। और इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर में से कितना क्वेश्चन आता है। सो बेसिकली आज हम उसके कुछ फर्स्ट 25 क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3-डायोल। पहले क्या उसने बोला, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया बच्चे हमारा 4 कार्बन वाला होता है, राइट। दूसरे और तीसरी पोजिशन पे उसने बोला है 2 ओल्स लगे हैं, मतलब अल्कोहल्स लगे हैं, राइट। सो दैट मीन्स हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमें देखना होता है कि इसके ऑप्टिकली एक्टिव, देखो आइसोमर्स का क्या सीन होता है, ऑप्टिकली एक्टिव उसने टर्म बोली। जो आपको ऐसे पता है कि जो ये आइसोमर है ना, स्टीरियो आइसोमर, इसमें दो चीजें हो जाती हैं, या तो ये किसी की मिरर इमेज होते हैं या नो मिरर इमेज, मिरर इमेज नहीं होते, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा केस ही नहीं है, क्योंकि ये वाले तो आएंगे नहीं। जो मिरर इमेज होते हैं ना, वो आगे दो तरह के हो जाते हैं, या तो वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। सुपर इम्पोजेबल का मतलब हो गया जैसे उसकी मिरर इमेज ए है, ए की आप मिरर इमेज बनाओ, दूसरे ए के ऊपर रखो, इसको उठा के बिल्कुल इसके ऊपर रखोगे, बिल्कुल फिट बैठ रहा है, दैट मीन सुपर इम्पोज कर रहा है। दूसरे होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, जैसे पी उल्टाता है ना, अब इसको इसके ऊपर उठा के रखोगे तो उसकी पी वाली जो ये वाली लोब है वो लेफ्ट साइड पे दिखेगी, बट इस पी की एक्चुअल में राइट साइड पे है। तो दैट मीन्स ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गए, मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल है। और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं ना, वो क्या होते हैं बच्चे, वो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमें कुछ ऐसा देखना है, देखो इसको देखते कैसे है? मैं आपको बताती हूँ। आपने 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, आपने इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना, कर लिया, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। अब क्या करना है, ऊपर एक CH3 है वैसे रखना है, नीचे CH3 है वैसे रखना है। इस कार्बन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक OH है। आपने हाइड्रोजन इधर रखा, OH इधर रखा, ठीक है। एक आप और चीज कर लीजिए इसके साथ, फिर क्या कीजिए, हाइड्रोजन इधर रखा, OH इधर रखा। पहले आपने स्ट्रक्चर ये बना ली इसकी, देखो स्ट्रक्चर बनाई। अब आप क्या करोगे, इसका क्या करो, इसके मिरर इमेज बना के देखो, ठीक है। इसका क्या करो, इसकी हम मिरर इमेज बना के देख लेते हैं। मिरर इमेज कैसे बनाएंगे, मैं इसको थोड़ा रेज कर रही हूँ बच्चे, स्ट्रक्चर को मिरर इमेज बना रहे हैं हम। देखिए ये मिरर रखा मैंने, दूसरी साइड पे क्या बन जाना है मेरा, CH3 ऊपर, CH3 नीचे, इधर H, OH बन गया। अब क्या है, इसको मैं जब इसके ऊपर बिल्कुल उठा के रखूंगी तो ये वाला OH इधर आ जाएगा, ये वाला OH इधर आ जाएगा, इधर H आएगा, मतलब कौन सी बनी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव होती है। और इनका एक और नाम होता है, इनको क्या बोला जाता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल को इनेंशियोमर्स, क्या बोला जाता है बच्चे, इनेंशियोमर्स बोला जाता है। दैट मीन्स इसके दो कितने स्ट्रक्चर है, दो है, जो क्या है ऑप्टिकली एक्टिव, तो वो कितनी है, दो है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 2, एक ये वाली स्ट्रक्चर, एक ये वाली, ये दोनों क्या है, एक दूसरे की स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव है। जहां आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, गॉट इट। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखो। अमंग द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड अल्कोहलिक फ्लेवर्स, देखो जहां पे भी आपको अल्कोहलिक विद बेस दिखे, अल्कोहल के साथ बेस दिखे, तो आपको पता चल जाता है देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन होनी है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि किसी भी ग्रुप को आप एलिमिनेट करते जाओ, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने क्या करना है, आपने डी हाइड्रो हैलोजिनेशन करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब आपको एक कार्बन है उसके बिल्कुल साथ वाले कार्बन का एक के पास अगर हैलोजन है और दूसरे का हाइड्रोजन निकालना है, ऐसे निकालना है, ठीक
है, इसको बोलते हैं डी हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन भी, हैलोजन मतलब हैलोजन भी, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन हो रही है। ठीक है, देखिए जैसे हम सबके करके देखते हैं, ए वाले कंपाउंड की करते हैं। ए वाला कंपाउंड हमारा कुछ ऐसा है, इसके साथ ब्रोमीन लगा है, ठीक है, और इसके पास हमें पता ही है कि हाइड्रोजन है ही। देखिए बच्चे, इसके पास मैंने इसका हाइड्रोजन भी मैंने रिमूव करा, तो इसका मेरा कुछ बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया। दूसरे का बनाते हैं, इस वाले का B का बनाते हैं हम, इसका क्या बनेगा CH3, नहीं यहाँ के ये वाला जो CH2 है इसके साथ जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन निकलेगा और इसका ब्रोमीन निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। आगे आ जाइए, इसका बनाते हैं ये वाले कंपाउंड का, बेसिकली इसका कैसे बनेगा, मतलब देखो ए का बन गया ये, बी का बन जाना ये, सी है हमारे पास कुछ ऐसा, इसके साथ एच है, ये CH2 है, उसके पास BR, ये BR और ये निकाल देंगे आपस में से, तो ये क्या बन जाना है बच्चे, इसमें बन जाना है कुछ ऐसा, बन गया। अब देखिए इसको हमने क्या करना है, इसमें से ये बन गया सी, मतलब सी हमारा ये बन गया, सारे बना के देख लेते हैं, फिर रिएक्टिविटी की बात करते हैं। डी देखो, डी का ये वाले कार्बन का ब्रोमीन और ये वाले कार्बन का हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो डी क्या बनेगा, डी मेरा बनेगा कुछ ऐसा, बन गया बच्चे। अब देखो ये भी, ये एल्काइन है, ए क्या बना, ए बना है कोई अल्काइन, ए देखो क्या बना है कोई अल्काइन है, बी क्या है कोई अल्कीन है, और डी भी क्या है कोई एल्कीन है, लेकिन जो सी है उसमें कार्बनल ग्रुप है, इससे क्या होने वाला है, ये रेजोनेंस दिखा रहा है बेटा, देखो ये आगे जाएगा फिर ये ऊपर जाएगा, रेजोनेंस दिखाएगा, जो रेजोनेंस दिखाता होता है वो क्या होते हैं ज्यादा रिएक्टिव, मतलब ज्यादा स्टेबल, ज्यादा रिएक्टिव होएगा, सो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, सी वाला, सो आंसर विल बी सी। इनमें जो होते हैं ना ये जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, अल्कीन्स होती हैं, इनकी रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, सो ये होएगा ज्यादा रिएक्टिव, क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस, गॉट इट। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है हमारी ऑर्गेनिक की, बात करते हैं इसके ऊपर क्या कह रहा है। वेन फिनोल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, फिनोल है बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, कहता है जब आप इसको ट्रीट करोगे CHCl3 एंड NaOH के साथ तो वो आपको क्या देगा, ठीक है, वो आपको देगा कुछ ऐसा, OH इधर रहेगा CHO, इसको क्या बोलते हैं सेलीसाइक्लिक एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं सेलीसाइक्लिक एल्डिहाइड। एक ये रिएक्शन कौन सी है, आपको अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन पता है, रीमर टीमर रिएक्शन है, रीमर टीमर रिएक्शन है, फिनोल्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, रीमर टीमर, ये वो वाली रिएक्शन है बेटा। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता होता है कि जब आप इसका मैकेनिज्म बनाते हो ना पूरा, मतलब कैसे ये बना, कैसे अटैक होके पूरी रिएक्शन कैसे बनी, ठीक है, तो जब उसका पूछा जाता है ना तो उसमें ये पूछा जाता है कि इसके बीच में इंटरमीडिएट क्या बनता है, मतलब बीच में इंटरमीडिएट क्या आता है, तो इंटरमीडिएट ना बेटा इसका कुछ ऐसा बनता होता है, ये लोन पेयर नहीं है, ये कार्बन के, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाना चाहता है ना, दो क्लोरिन के साथ वो दो बॉन्ड बना रहा है, दो इलेक्ट्रॉन उसके फ्री पड़े हैं, उसके पास कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं कार्बीन, उसका इंटरमीडिएट कौन होता है बच्चे, कार्बीन होता है। ठीक है, इसके साथ एक तरह की और रिएक्शन भी आ सकती होती है, कई बार उसने इस CHCl3 की जगह पे ना CCl4 दिया होता है, मैं पेन चेंज कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो रिएक्शन में, देखो इस CCl4 दिया होता है, जब उसने CCl4 दिया होगा ना तो प्रोडक्ट पता है कैसा बनेगा आपका, कुछ ऐसा, यहाँ पे OH वैसे ही रहेगा, यहाँ पे बनेगा COOH, वॉट इट, और इसको क्या बोलते हैं सेलीसाइक्लिक, जैसे ये तो एल्डिहाइड है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सेली साइक्लिक एसिड, वो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है ना COOH ग्रुप, सो उसको क्या बोलेंगे बच्चे, उसको बोलेंगे एसिड। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जी क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट फास्टेस्ट विद मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, आ जाइए इसके ऊपर रिएजेंट कौन से दिए हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, आपको पता है ये रिएजेंट कौन है, ये दोनों को क्या कहते हैं साथ में, लुकास रिएजेंट, ठीक है लुकास रिएजेंट, और लुकास क्या है, लुकास एक रिएजेंट है जो टेस्ट के लिए यूज होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, अल्कोहल्स को
फिनोल्स को नहीं अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए. प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री एंड टर्शरी मतलब 3 डिग्री. उन तीनों अल्कोहल्स को अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना है तो आप लुकास लगा सकते हो. आपने ये रूल सीखा होता है कि 3 डिग्री क्या कहते हैं, सबसे अच्छा टेस्ट दिखाता है. मतलब जब आप 3 डिग्री में लुकास को डालोगे इमिजिएटली आपको प्रोडक्ट मिलेगा, 2 डिग्री में आपको प्रोडक्ट मिलेगा बट इट टेक्स 10 to 15 मिनट्स, एंड 1 डिग्री में वो बेटा नो रिएक्शन ही दिखा देगा. वो क्या दिखा देगा, नो रिएक्शन ही दिखा देगा. मतलब 3 डिग्री के साथ ये रिएक्ट करता है, 2 के साथ स्लो करता है, 1 के साथ करता ही नहीं है. सो देख लेते हैं उसने पूछा है किसके साथ फास्ट करता है. पहला बना लो ट्राइमिथाइल कार्बनोल. इसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए भाई आपको. ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल होती है ट्राइमिथाइल कार्बनोल. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसो होता है दूसरे कार्बन के साथ एक CH3 लटकता होना, जैसे ये लटक रहा है, आइसो हो गया ना. उसके बाद इथेनॉल, यू ऑल नो अबाउट दिस वेरी वेल, एंड प्रोपेनॉल इज दिस. सो आ जाइए क्या है, दिस इज 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है. 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि कार्बन के साथ जो कार्बन है, जो मेन हमारा कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप लगा है बच्चे, उसके साथ आगे क्या है, उसके साथ आगे एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच है. ये भी मेरा मेन कार्बन है, इसके साथ डायरेक्टली मतलब जो बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, ये आगे वाला इसका कोई नहीं, डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच है. मेरे ये कार्बन को देखिए तो मतलब ये भी 1 डिग्री हुआ. ये कार्बन को देखिए, इसके साथ इधर एक कार्बन अटैच है, इधर एक कार्बन अटैच है, दैट मीन्स ये 2 डिग्री हो गया. पर अगर आप इसकी बात करोगे तो ये वाला कार्बन एक ऐसा कार्बन है जिसके साथ 3 कार्बन अटैच है अलग अलग, 1, 2, 3, दैट मीन्स ये 3 डिग्री हो गया. तो आंसर में क्या है, 3 डिग्री ज्यादा अच्छा दिखाते हैं हमें पता है. सो आंसर आ जाएगा ए, ट्राइमिथाइल कार्बेनॉयल. ठीक है, ट्राइमिथाइल कार्बेनॉयल आ जाएगा टेस्ट आंसर. नेक्स्ट आ जाइए, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड That gives a tri-bromo derivative on treatment with bromine water. देखो tri-bromo का derivative देगा, मतलब 3 ब्रोमीन लगे होंगे उसके ऊपर जब उसको आप ब्रोमीन के साथ टेस्ट करोगे. आपको ना एक चीज पता है बच्चे, आपको ना जैसे यहाँ पे फिनोल आपको सब में दिख रहा है, OH, 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 उधर भी एक OH दिख रहा है ना. आपको ये चीज पता है कि जो फिनोल है ना, फिनोल को जब आप Br2 वाटर में ऐड करते हो जर्नली सिंपली, ये हमारी रिएक्शन होती है, तो वो ना हमें कुछ ऐसा दे देता है. OH रहा, एक ब्रोमीन, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे 2 ब्रोमीन लग जाते हैं, पैरा एक ही है खाली तो पैरा पे लग जाता है, ये मेटा पे कोई नहीं लगता क्योंकि ये क्या होती है ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ऐसा होता है ना, मेटा नहीं ये रहता है. अब आप इनमें से ध्यान से देखिए, ये वाला एक ऑर्थो पोजीशन मेरा ऑलरेडी अकोपाइड है, वहां पे मिथाइल लगा हुआ है. ये वाला मेरा एक पैरा पोजीशन है जो ऑलरेडी अकोपाइड है. यहाँ पे मेरा मेटा अकोपाइड है, दैट मीन्स मेरा ऑर्थो दोनों फ्री है और पैरा भी फ्री है. पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा फिर से एक पैरा क्या है, अकोपाइड है, दैट मीन्स इसके ऊपर सबसे अच्छी रिएक्शन हो सकती है. तो आंसर सी आने वाला है, क्योंकि मेरे को तीनों ब्रोमीन, उसने क्या बोला है, ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव देना है, तीनों ब्रोमीन लगाने हैं, तो उसके लिए खाली जगह भी तो होनी चाहिए, तो मेरे को सीधा ही पता है. मतलब आप सीधा इसे भी देख सकते हो, नहीं तो फिर आप बड़ा कॉन्सेप्ट एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग वाला भी लगा सकते हो. मैंने आपको सिंपली ट्रिक बताया, ठीक है, आगे आ जाइए. इसको ध्यान से देखो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन. देखो बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल लगा है, आइसो का मतलब दूसरे कार्बन से ना प्रोपाइल जुड़ा होगा बेंजीन के साथ, आइसो का मतलब होता है दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ. इसको आप वैसे क्या कहते हो बेटा, इसको आप वैसे क्यूमीन भी कहते हो, ये क्यूमीन होता है. मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स में हम क्यूमीन के बारे में पढ़ते हैं, ये वो वाली क्यूमीन है जिसका स्ट्रक्चर, जिसका नाम आइसोप्रोपाइल बेंजीन में, इसकी एयर ऑक्सीडेशन करनी है, मतलब इसको इसमें O2 ऐड करना है. जब इसमें आप O2 ऐड करते हो ना तो ये कुछ ऐसा बन जाता है बच्चे. मैंने CH3 इधर लिखा, कार्बन एक CH3 में वैसे ऊपर ले गई, इस कार्बन के साथ OO लगा के H लगा दिया. ठीक है, अब होता क्या है, इसमें जो ये वाला OH है ये इस बॉन्ड पे आके जुड़ जाता है और ये पूरा बाहर चले जाता है. मतलब यहाँ पे बनता क्या है हमारे पास बच्चे, फिनोल बनता है प्लस कार्बन जो बाहर आ जाता है. ठीक है, सो इससे क्या बनता है, हमें दिख रहा है फिनोल, मतलब ये डी, ये एक बेंजल्डेहाइड है, ये कोई कीटोन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमारे पास बनता है फिनोल. ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या है, फिनोल है. आगे आ चाहिए, कहते द मोस्ट सूटेबल रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम. ओके, पहले कॉन्सेंट्रेट कीजिए, 1 डिग्री अल्कोहल को आपने चेंज करना है एल्डिहाइड में,
है, क्या करनी है उसकी, ऑक्सीडेशन करनी है। इसका क्या मतलब होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन करनी है आपने उसकी, क्योंकि अल्कोहल से एल्डिहाइड जाए तो क्या होता है, देखो जैसे 1 डिग्री में कोई भी अल्कोहल ले रही हूँ, मैंने ये ले लिया, सेम नंबर ऑफ कार्बन बोला ना उसने, मैंने इसका एल्डिहाइड बनाना है, तो सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्डिहाइड ये बनेगा। इन दोनों में फर्क क्या है, इसके में फर्क क्या है कि इसके 2 हाइड्रोजन रिमूव है। हाइड्रोजन रिमूव का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, तो मतलब मैंने इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन करने के लिए 2 तरह के रिएजेंट यूज होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। जैसे K2Cr27 है, KMnO4 है, एंड एक होता है HNO3। ये तीनों होते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या करते हैं, पहले एल्डिहाइड बनाएंगे, फिर इसको एक ऑक्सीजन देके, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है ना ऑक्सीडेशन, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे सीधा। लेकिन हमें रिएक्शन को रोकना है इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे हमें रिएक्शन को रोकना है, क्योंकि उसकी डिमांड है एल्डिहाइड बनाना है। उसके लिए आपको कोई वीक यूज करना है, और वीक होता है पीसीसी, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी। तो आंसर इज सी, बाकी तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है। गॉट इट। नेक्स्ट आ जाइए, ध्यान से देखते हुए इस रिएक्शन को। दिस इज ऑल्सो अ वेरी, देखो आपको नेमिंग रिएक्शंस कितनी ज्यादा आ रही हैं पेपर में, तो आप लोग अगर नेमिंग रिएक्शंस भी रट रहे हो 12th लेवल तक की, तो आप पेपर को अच्छा क्रैक कर सकते हो। देखिए वो क्या कह रहा है, CH3CH2COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। वो कहता है अगर आप उसका पहले पहले पार्ट में क्या करना है, उसके ऊपर Cl2 विद रेड फॉस्फोरस डालना है। ये वाला रिएक्शन देख के हमें क्या पता चलता है, इस तरह की एक रिएक्शन होती है जिसको हम HVZ रिएक्शन बोलते हैं बच्चे। हेल वेलहर्ड जिलिंगसी, ठीक है, HVZ। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास जैसे मान लो ये है, इसमें मैंने Cl2 विद रेड फॉस्फोरस ऐड करा, तो क्या होएगा, आपको देखना है पहले COH का अल्फा कार्बन कौन सा है, ये अल्फा, ये बीटा हो गया ना। अल्फा के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे आपने क्या लगा देना है बच्चे, आपने लगा देना है उसकी जगह पे क्लोरीन। अल्फा पे ही लगाना है, बीटा पे नहीं लगाना। ये होती है HVZ रिएक्शन। सेकेंड देखिए, उसके बाद उसने बोला है अल्कोहलिक KOH। अभी हमने सीखा है अल्कोहलिक KOH का काम क्या है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। दैट मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये हैलोजन निकलेगा, तो वो कुछ ऐसा देगा डबल बॉन्ड CH COOH। तो द आंसर विल बी दिस, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से आ गया ये क्वेश्चन। पीछे देखो फिनोल का क्वेश्चन देखा है, फिनोल के हमने दो देखे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में से हमने वो क्यूमीन वाला देखा, और उससे पहले हमने रीमन डीमन देखा फिनोल का। कितनी नेमिंग रिएक्शन आ रही हैं पेपर में। नेक्स्ट आ जाओ, फिर से नेमिंग रिएक्शन, सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट। देखो बच्चे कुछ को जैसे यहाँ पे इथाइल एसीटेट बोला उसने, नीचे ऑप्शंस भी देखो चारों, दैट मींस आपको कॉमन नेम याद होने चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि कॉमन नेम कैसे बनते हैं। यहाँ पे इथाइल एसीटेट बोला है, मतलब ये है इथर है, ये वाली, ये वाला इथाइल ग्रुप है ना, दो साइड पे लगा हुआ है, और एसीटेट भी है, तो इसको बोल देते हैं इथाइल एसीटेट। वो क्या कहता है, इसके 2 मोल्स लेके उनके सेल्फ कंडेंसेशन करा दो। सेल्फ कंडेंसेशन का मतलब है एल्डोल कंडेंसेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किनकी, एल्डिहाइड एंड केटोन्स की। बस हमने वो करनी है, क्या करते हैं उसमें हम, देखो मैं वही वाला कंपाउंड ले रही हूं बच्चे, उसमें से हमें एक कंपाउंड वैसे का वैसे लेना होता है। उसकी कंडीशन ये होती है कि दिस ग्रुप शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास ये कार्बन है, उस कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये दिखाएगा सेल्फ कंडेंसेशन। वैसे उसने ऊपर ही बोल दिया कि वो दिखाएगा, तभी प्रोडक्ट बनेंगे ना, कुछ दिखाते नहीं होते, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं नहीं होते, वो नहीं दिखाते। तो इस पे पास है तो ये दिखाएगा, तब होएगा क्या, पॉजिटिव नेगेटिव। आ जाइए ये वाला जो, अभी रुको प्लीज, छोड़ो आप इसको, ऐसे लिखते हैं हम, मैं बना रही हूँ। देखो इसमें से दो है ना जैसे कार्बोनिल ग्रुप आपके पास, एक तो मैंने ये वाला डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दूसरे ने अटैक करना है, उसका आपने क्या बनाना है, बेस बनाना है। बेस का मतलब होता है जो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, एच पॉजिटिव को रिमूव कर दीजिए, एसिड बाहर गया तो बेस रह गया उस कंपाउंड के पास। अब ये नेगेटिव चार्ज जाके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन ऊपर को जाएगा, जिससे ये कंपाउंड कुछ मेरा बन जाएगा। देखो मैं इसी कार्बन से शुरू कर रही हूँ, इधर लिख के कार्बन, मैंने ऑक्सीजन नेगेटिव ऊपर लिख दिया, साथ में मैंने OCH3 वैसे का वैसे लिख दिया, इधर वाला CH3 भी मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये यहाँ से जुड़ा था,
सी टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी थ्री, वैसे का वैसे लिख दिया। अब क्या है इसके बाद, ये वाला नेगेटिव चार्ज वापस आएगा ऑक्सीजन के पास और ये बाहर निकल जाएगा, ऐसे ही होता है इसका स्टेप। अब ये तो बाहर चले गया ना, मैं तो इकट्ठे कर रही हूं सीधा। तो बेटा मेरा कुछ ऐसा बनना है, दिख रहा है आप लोगों को क्या बना है, कुछ ऐसा बनना है। तो इसको क्या कहते हैं, देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इथाइल एसिटो एसीटेट। क्या कहते हैं, इथाइल एसिटो एसीटेट, मतलब इसका आंसर है बी। आपको इनके कॉमन नेम सीखने पड़ेंगे कि कैसे हैं, ठीक है। अगर कुछ पढ़ना है तो आइए हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए मास्टर कैडर का, और वहां से पढ़िए फिर। नेक्स्ट देखिए, द कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय के एम एन ओ फोर। क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय के एम एन ओ फोर। इथाइल बेंजीन क्या हो गया, बेंजीन के ऊपर इथाइल लगा दो, लगा दिया। अब आपको बहुत अच्छे से पता है इसमें क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करना, मतलब इसकी के एम एन ओ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना। के एम एन ओ फोर के साथ इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या बनाता है, सीधा बेंजोइक एसिड। इसमें आपको ना ये भी नहीं ध्यान रखना होता कि ये कार्बन भी कम हो जाता है इसमें से, कार्बन उड़ा सीधा बेंजोइक एसिड बनाना उसमें। अगर ये भी होता ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, फिर भी सेम ही प्रोडक्ट बनना था, इसमें सीधा बेंजोइक एसिड ही बनना होता है। तो आंसर डी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हुए हम आगे, फिर से आ गया पैराटोलिन है कहते कोई, उसके साथ आप सी एच सी एल थ्री एंड के ओ एच की रिएक्शन करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किनकी, अमाइंस की। देखिए पैराटोलिन क्या होता है, टॉलिन तो आपको दिख रहा है, टॉलिन होता है बच्चे सी एच थ्री ग्रुप, पैरा पोजिशन पे लगा है, ऊपर है पैराटोलेडाइन, मतलब ऊपर क्या लगा हुआ है, एन एच टू लगा है, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब आगे आ जाइए, कहते अगर आप उसकी रिएक्शन करोगे सी एच सी एल थ्री प्लस अल्कोहलिक के ओ एच के साथ। अब अल्कोहलिक के ओ एच अकेला नहीं है, इकट्ठा इस रिएजेंट में आ रहा है, अब नहीं इतना दिमाग लगाना कि डिहाइड्रोलोजिनेशन कर दे, नहीं इसके साथ है ये। इसकी जब रिएक्शन होती है ना बेटा, तो आपके पास ना ये बनते हैं, क्या बनता है इसके में, ये जो एन एच टू है ना, ये एन सी में चेंज हो जाता है, ठीक है, और नीचे सी एच थ्री वैसे का वैसे रह जाता है, प्लस इसमें से वही अपना के सी एल और जो वाटर वगैरह के कुछ मोल्स हैं वो आप बैलेंस कर लोगे रिएक्शन को, वो बाहर निकल जाते हैं। अब एनसी ग्रुप क्या होता है, आइसोसाइनाइड ग्रुप। वैसे तो हमें इसका आंसर तो दिख गया बी है, पर आपको क्या, मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, ये जो ये वाला ग्रुप है एनसी ग्रुप, इसको क्या कहते हैं, इसको आइसोसाइनाइड ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और आइसोसाइनाइड का एक और नाम भी होता है कार्बाइल अमाइन, क्या होता है बच्चे नाम, कार्बाइल अमाइन। तो इस पूरे टेस्ट को, ये अमाइंस का टेस्ट है एनिलीन का स्पेशली, इनको क्या कहा जाता है, मतलब एनिलीन यहाँ पे दिखा रहा है अमाइंस, मतलब प्राइमरी भी दिखा, वो एलिफेटिक भी दिखा देंगे, जरूरी नहीं है कि एरोमेटिक ही होना चाहिए, एलिफेटिक भी दिखा देंगे। तो इनको क्या बोला जाता है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। इस टेस्ट का नाम क्या है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, गॉट इट। नेक्स्ट आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड विद जिंक। मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया नाइट्रोबेंजीन, देखो फिर से आ गया इनका क्वेश्चन, रिड्यूस विद जिंक एंड मिथेनोइक, मतलब अल्कोहलिक के ओ एच, मिथेनोइक मतलब अल्कोहलिक फॉर्म ही होगी ना। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, देखो क्या होता है इसमें, ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ये वाला जब होता है तो यहाँ पे नाइट्रोजन तो है ही, डबल बॉन्ड एन एजोबेंजीन बन जाता है इसमें, ये टेस्ट है इनका, क्या बन जाता है, एजोबेंजीन बन जाता है, ठीक है, दैट इज द आंसर इज डी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हुए बच्चे, ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक, विच सब्सटेंस चार्स, चार्स मतलब बर्न बेसिकली, चारिंग ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। आपको बहुत अच्छे से पता है, बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक का, उसमें हमने पढ़ा होता है कि ग्लूकोज को करें H2SO4 के साथ तो वो बर्न होके कुछ, मतलब सारी शुगर, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सारी शुगर्स बर्न हो जाती हैं, और शुगर क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट। सो आंसर क्या आ गया हमारा, ए, शुगर्स हो जाती हैं बर्न। ये था, ये
हुड्रो नहीं है, हाइड्रोकार्बन है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, ये नहीं दिखाते, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स दिखाती हैं। नीचे एक और क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, उसको देखिए। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है जो हेलिकल स्ट्रक्चर, उसमें किस तरह का बॉन्ड होता है जिसकी वजह से वो स्टेबल होता है, ये भी बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है प्रोटीन वाले पोर्शन का, क्योंकि वहां पे आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स इन सबके बारे में पढ़ते हो। तो वो है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड नहीं बॉन्ड, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो उसकी वजह से स्टेबल होती है। ओके नेक्स्ट आ जाइए, देखो दो क्वेश्चन सेम चैप्टर से आगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक, ऑफकोर्स ऑक्सीटोसिन ये एक हार्मोन है, ये एंटीबायोटिक नहीं है। तो देखो कहाँ से आ गया क्वेश्चन, फिर से जर्नल क्वेश्चन, तीन जर्नल क्वेश्चन बैक टू बैक पढ़े हैं पेपर में, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इसको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखो मोल का जर्नल क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कहता मिथेन है जो वो, उसको आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देगा, आपको पता है कंबशन रिएक्शन है ना। तो यहाँ पे आप इसको बैलेंस करोगे तो टू लगाओ, टू लगाओ, आई थिंक इट्स नॉट बैलेंस्ड। तो वो क्या कह रहा है, कहता 48 ग्राम, इसकी वैल्यू दी हुई है उसने 48 ग्राम, कहता CH4 है जो, ये क्या दिया हुआ उसका गिवन वेट, आपको पता है गिवन वेट होता है ना, ये वो दिया हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो गिवन वेट है हमें वो फाइंड करना है। अब देखो और क्या है इसमें, सबका मॉलिकुलर मास होता है और जो हमें पता होता है क्या है, सो देखिए CH4 कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन, 16 हो गया टोटल, सो इसका मॉलिकुलर मास कितना हो गया 16, और इसका मॉलिकुलर मास कितना हो गया कार्बन का जैसे 12 और 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2 = 32, मतलब 44, तो इसका हो गया 44। यहां से हमारा क्या रिलेशन बन रहा है कि जो 16 ग्राम मिथेन है वो क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस करता है कितना कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, कितनी बेटा 44 ग्राम, पर 1 ग्राम कितना करेगा 44/16, और हमें कितने ग्राम की चाहिए 48 की, तो 48 कितना कर देगा 44/16 × 48, ठीक है 16 वन ईयर 3 ईयर एंड 44 × 4 = 3 ईयर 12 × 1 = 13, 132 ग्राम। ऑप्शन में देखिए, हाँ जी कितने ग्राम्स 132, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस 132। हमने क्या करा, जर्नल मोल कॉन्सेप्ट लगाया इसके ऊपर, क्या करा आपको पता है गिवन वेट इसका गिवन था, इसका गिवन वेट हमें निकालना है, आपको मॉलिक्यूलर मास होता है एक आपको पता है, इसका है ही और इसका भी है, तो आप क्या करोगे 16 ग्राम CHO4 प्रोड्यूस 44, मतलब 16 देखो 44 दे रहा है और एक कितना देगा 44/16 और 48 का आपको निकालना है तो × 48 = 132। इट्स वेरी सिंपल, मोल कॉन्सेप्ट से है फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट आ जाइए, ओके बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत केमिकल पीरियडिसिटी से बहुत ही सिंपल, इन विच पीरियड एंड ग्रुप डस द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस, आपको क्या करना होता है कि देखिए 287 दिया उसने, एक एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, आप ऐड कर लो 2, 8, 10 + 7 = 17, 17 का मतलब हो गया क्लोरीन, तो आप कैसे लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, हो गया बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली हमने जर्नल। अब हमें क्या देखना है, ग्रुप एंड पीरियड, देखिए कैसे देखते होते हैं, जो उसका हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n होती है, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी हायर वैल्यू, यहाँ पे 3 है ना, ये सारे n है 1, 2 एंड 3, यहाँ पे 3 दिख रहे हैं आपको, हायर वैल्यू ऑफ n होती है जो, वो बेटा उसका पीरियड होता है, ये चाहे किसी भी ग्रुप का हो, एस का हो, पी का हो, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, पी लास्ट में आ रहा, एस का हो, पी का हो, डी का हो, एफ का हो, कुछ भी होता है, जो हायर वैल्यू ऑफ एन है वो उसका पीरियड होता है। ग्रुप कैसे निकालते हैं, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालने के लिए, जैसे ये 15 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, आपको हमेशा इसको 12 में ऐड करना है, 12 + 5 मतलब 17, ये इनका इसका ग्रुप कौन सा है 17 है, और पीरियड कौन सा हमने देखा थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप, आंसर इज ए। मैं यहाँ पे एक चीज छोटी सी और आपको डिटेल बताना चाहती हूँ, अगर ये एलिमेंट मान लो एस ब्लॉक का एलिमेंट होता, जैसे मैं सोडियम के एग्जांपल ले लूँ, ये हुआ, अब यहाँ पे देखो थर्ड फिर से आपको दिख रही है, पीरियड कौन सा है थर्ड, लेकिन एलिमेंट कौन सा है किस ग्रुप का है फर्स्ट, एस में कोई बारा नहीं ऐड करना, एस में सिर्फ कितने एलिमेंट है एक है तो फर्स्ट ग्रुप होएगा, अगर यहाँ पे 3s मतलब अगर आप मैग्नीशियम की एग्जाम्पल लेते तो लास्ट पे 3s2 आ जाता, तो 2 है तो सेकेंड ग्रुप है, क्या है
सेकेंड ग्रुप है, ठीक है। और डी में क्या करते हैं, डी का भी चलो एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। आप देखो बेटा आयरन 26, आर्गन होता है 18 तक, फिर हम लिखते हैं 4s2, 3d6। डी में इन दोनों को ऐड करना होता है। पहले तो देखो पीरियड देखते टाइम एन की हायर वैल्यू देखनी है, यहाँ पे 3 देख के नहीं भाग जाना, यहाँ पे 4 भी है तो ग्रुप कौन, पीरियड कौन सा है इनका, फोर्थ। लेकिन ग्रुप कैसे देखना है, 6 + 2 = 8, टोटल करने हैं दोनों के इलेक्ट्रॉन, इसका भी और इसका भी, तो डी का और एस का दोनों को करते होते हैं। तो सिक्स डी एस कौन सा, ये हाईएस्ट वाला एस, और डी तो जो है वही, तो 6 + 2 = 8, तो ये कौन से पीरियड का हो गया, ये सॉरी कौन से ग्रुप का हो गया, 8th ग्रुप, और पीरियड कौन सा हो गया, 4th, ठीक है। ऐसे निकालते हैं इसको, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, कुछ और आपको पूछना होगा इससे रिगार्डिंग बच्चे। नेक्स्ट आ जाइए, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमारा चैप्टर है उसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ऐसी वाली स्पीड, तीन तरह के डिफरेंट डिफरेंट के लिए पूछा जाता है, बात करी जाती है। तो स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने का, रूट ऑफ 2RT/m। m इज मॉलिक्यूलर मास, r क्या की वैल्यू आपको पता है कॉन्स्टेंट 8.314 है, टेम्परेचर कुछ ना कुछ गिवन होगा, यहाँ पे है 0°C, मतलब 273 केल्विन। अब क्या बताया हुआ उसने, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट मीन्स H2 का मास क्या होता है, एक हाइड्रोजन का एक और दो का, फिर यहाँ पे 2। कई कई बार क्या होता है बच्चे, आपको ऑप्शंस में पता चल जाता है, 2 पुट कर दो, 8.314 पुट करोगे, 273 पुट करोगे, अपॉन 2 ये वाला पुट कर दोगे, यहाँ पे क्या होता है कई कई बार, तो आपको जो आंसर देखने को मिलता है ना उसके हिसाब से आपने क्या करना होता है, कई बार हमें ये लग रहा होता है कि जो आंसर है उसमें हमारा बाकी सब ठीक आ रहा है, ये पीछे वाली 10^3 नहीं आ रही, वो क्या होता है कि यहाँ पे ना जो मास है हमारा हमें उसको केजी में यूज करना होता है, लेकिन ये वैसे है 2 g/mol जनरली, इसको केजी में करने के लिए हम 10^-3 ऑटोमेटिकली लगाएंगे जो ऊपर जाके 3 में चला जाएगा, है ना। सो उसके अकॉर्डिंगली जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कुछ सी आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे क्योंकि कैलकुलेशंस बड़ी हैं तो आपको आंसर इसका सी मिलना चाहिए, 1.5 × 10^3 मीटर पर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये ना डायपोल मोमेंट के ऊपर है, आपको ये याद रखनी होगी चीज। कहता कोई ना 1, 2 डाई सब्सटीट्यूटेड है, मतलब एक ग्रुप इधर लगा है पहली पोजीशन पे, एक दूसरी पे लगा है, एक और है जिसमें 1, 3 डाई सब्सटीट्यूटेड है, एक इधर लगा है एक इधर है, मतलब एक ऑर्थो का एक मेटा का। अच्छा ये क्या है, जीरो नहीं, ये एंगल है, थीटा दिया हुआ उसने, इसके लिए इन दोनों के बीच में एंगल कहता 60°, आपको समय दिख ही रहा है, इधर क्या है 120°। तो वो कहता इलेक्ट्रिक डायपोल है जो इनकी रिजल्टेंट, उसकी रेशियो बतानी चाहिए। अब डायपोल मोमेंट होती है म्यू, डैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका आप थीटा 1 मान लो, म्यू 1, इसका म्यू 2, थीटा 2, तो आप सिंपली आ जाओ दोनों का रेशियो कर देते हैं, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा 1 अपॉन 1 अपॉन थीटा 2, तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, थीटा 2 बाय थीटा 1, ऊपर जाके ऐसा हो जाता है, 2 कितना है 120, 1 कितना है 60, सो अप्रोक्सीमेटली वही आ गया हमारा 2 डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पे 2.1 दिया होगा, यही आ जाना इसका आंसर, ठीक है, 2.1 आ जाना है इसका आंसर। मतलब जितना आपका आंसर आया होता है अगर ऑप्शन में है तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर वाला चूज ज्यादा करना होता है, पीछे नहीं जाना होता, तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आ जाना है 2। इस मेथड से आप इजीली निकाल सकते हो इसको, आपको इजीली इसका पता चल जाएगा कि कैसे करना है। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे, ऑन द क्वेश्चन नंबर 21, राइट, द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो क्या है, बॉन्ड लेंथ के ऊपर है ये आपका चैप्टर होता है, जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाने सीखते हैं ना हम, जो उनके ऊपर है ये वाला चैप्टर, किसके ऊपर है, ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स के ऊपर है, जो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर होता है, टॉपिक होता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, उनके ऊपर। यहाँ पे अगर मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा बड़ा काम है जो यहाँ पे समझाया नहीं जा सकता, उसके लिए आपको हमारे और वीडियो लेक्चर्स की अगर डिमांड होगी तो आप मांग सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी उसमें, पर हमें क्या करना है, ट्रिक से सीख लेते हैं थोड़ा। देखो क्या करते हैं, पहली चीज तो चलो पहले हम ये सीखते हैं,
देख लो बच्चे, हो गया। अब देखो इसको ध्यान से क्या कहता है, वहां पे है हमारे पास सारे ऑक्सीजन है। पहले ऑक्सीजन होता है O2, O2 मतलब एक ऑक्सीजन 8 प्लस दूसरा ऑक्सीजन 8, मतलब टोटल हो गया 16, ठीक है। मतलब ये है O2, इसका बॉन्ड ऑर्डर O2 का क्या होता है, ये बॉन्ड ऑर्डर है नॉट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर O2 का क्या होता है बेटा, 2। ऐसे आपने निकाल लेना है, मतलब ये ट्रिक बना लेना है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लिख के नीचे आपने 1 1.5 2 2.5 ऐसे बना लेना है, मतलब O2 आ गया। सो अब आगे देखिए आप, O2 नेगेटिव भी है, O2 पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव मतलब एक पीछे चले गया, नेगेटिव मतलब एक आगे आ गया। अब O2 नेगेटिव पॉजिटिव का भी वो 2.5 है एंड O2 नेगेटिव का भी 2.5 है, ठीक है। आगे देखो, एक आ गया O2 2 नेगेटिव, मतलब ये वाला O2 2 नेगेटिव का है 1, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, 2.5 इन दोनों का। कहते हैं जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है वैसे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, पर एक चीज होता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। सो जितना कम बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, तो दैट मींस इसकी तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, ये तो सबसे आगे आने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या आने वाला है, उसके बाद O2 भी आने वाला है। अब इन दोनों में हमें कंफ्यूजन है ना, इन दोनों की जो कंफ्यूजन है, जब सेम आ जाता होता है तो इसमें बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने पड़ते हैं, जिसके लिए आपके पास डायग्राम होनी चाहिए एग्जैक्टली। बट मैं ट्रिक क्यों बता रही हूं, क्योंकि उससे ना कई बार आप आंसर के बहुत पास पहुंच जाते हो। देखो पहला O2 नेगेटिव ही आना चाहिए, देखो सिर्फ ये दोनों ऑप्शन है जिनमें पहला O2 नेगेटिव आ रहा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये दोनों तो हमारी कट गई है। अब उसने क्या बोला, उसके बाद O2 आना चाहिए। सॉरी दिस इज 1.5, गेटिंग लेट, रॉन्ग हो गया बेटा, ये 1.5 1.5 है ना, 1.5 है, सो 2 बड़ा है ना। सो उसके बाद हमारा O2 पॉजिटिव या O2 नेगेटिव में से कुछ आना चाहिए, फिर लास्ट पे आपका O2 आना चाहिए, मतलब O2 लास्ट पे आना चाहिए। उसका 1.5 है बच्चा, ये 1.5 रहेगा, 2.5 नहीं, 2.5 तो आगे गया ना फिर, ठीक है, ये 1.5 रहेगा, सॉरी ध्यान से देख लीजिए, 1.5 रहेगा। अब दैट मींस आपका O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव में से कोई पहले आना चाहिए और O2 आपका पीछे ही आना चाहिए। देखो इसमें पीछे है, इसमें नहीं है, तो आंसर क्या रह जाएगा आपका, सेम। अब आपको पता है O2 नेगेटिव वैसे पहले आता है, O2 पॉजिटिव बाद में आता है, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग ज्यादा होंगे, इसमें एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होंगे, तो उस वजह से वो आगे पीछे हो जाता है। उल्टा इसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर उसका वो ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें बॉन्डिंग ज्यादा होते हैं, सो ये वाला होएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ तो उल्टे है ना, तो ये पहले ये बाद में, ये करा है हमने, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको बात, हमने सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाला, फिर हमने बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कम, सबसे ज्यादा है O2 का, मतलब ये सबसे पीछे आने वाला है। तो आप वैसे भी देख सकते हो O2 सिर्फ इसी में एक सबसे पीछे है, एक इसमें है, पर O2 2 नेगेटिव का सबसे कम है, दैट मींस वो सबसे आगे आने वाला है, तो वो यहाँ पे तो आगे था नहीं, और आगे कहाँ था, सिर्फ इस वाले में, तो आंसर हमारा आ गया सी। बीच वालों के कंफ्यूजन में हम रहे ही नहीं, तो ऐसे आपका हेल्प मिल सकती है आपको, है ना, नहीं तो फिर डायग्राम बनानी पड़ेगी। बच्चे नेक्स्ट आ जाइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है टॉपिक। कहते ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से है, कहते हैं प्रोटॉन एचबी इज कपल्ड टू 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, द मल्टीप्लिसिटी एंड एचए, ठीक है। देखो एक प्रोटॉन है एचबी जिसके साथ 4 प्रोटॉन्स लगे हैं एचए, वो सेम नेचर के हैं, जो 4 प्रोटॉन्स लगे हैं वो उसके साथ किसके हैं, सेम नेचर के हैं, मतलब कार्बन नहीं मैं लगा रही बेटा, गलत हो जाएगा। उसका जो सिग्नल है ना वो किसी 4 प्रोटॉन्स की वजह से, उसका जो सिग्नल है, मैं ऐसे कर रही हूं, देखो एक एच बी है, उसका जो सिग्नल है वो किसी 4 एच ए प्रोटॉन्स की वजह से आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी एंड रिलेटिव इंटेंसिटी निकालनी है सिग्नल एच बी का, एच बी के जो सिग्नल्स आ रहे होंगे वो क्या आएंगे। देखो जैसे एच बी का सिग्नल किसकी वजह से आना है, इसकी वजह से, ए 4 है तो फॉर्मूला होता क्या, 2Ni+1, ठीक है। 2N क्या है, नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स, कितने उसने बोला है, 4 है। I की वैल्यू क्या होती है, हाइड्रोजन के लिए स्पिन हमेशा हाफ ही होती है बच्चे, हमेशा क्या होती है, हाफ ही होती है, तो आपने हाफ ही लगानी है NMR में, तो +1 करा
सो देख लीजिए ये कट जाएगा पांच, मतलब आपके कोई पांच सिग्नल्स आने वाले हैं। देखो सिग्नल्स कितने आने वाले हैं, पांच। तो यहाँ पे क्या है, एक तो ट्रिपलेट आ रहा है और एक आ रहा है, ये भी ट्रिपलेट, ये तो होएगा नहीं, क्विंटेट होएगा। पांच का मतलब हो गया क्विंटेट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वो पांच आएंगे कैसे। तो बेटा ये ना एक मतलब इसको पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं, उसके हिसाब से आप सीख सकते हो। अगर आपको वो वीडियो चाहिए या कुछ भी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं प्रोवाइड कर दूंगी वो वाली वीडियो। देखिए उसमें क्या है बच्चे, कि जब भी आपकी आई की वैल्यू है जो हाफ हो, तो वो जो क्विंटेड पांच बनते हैं ना, वो यही होते हैं। वो कौन से होते हैं, 1:4:6:4। कैसे आएगा, पास्कल बताएगा। तो ये वाला आंसर आएगा, ये वाला जो है पांच के पांच जो सिग्नल्स बने हैं, ये कोई आई की वैल्यू डिफरेंट होगी उसके लिए बने होंगे। वो क्या हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए हाफ ही होती है। हाफ होती है तो उसका क्या मतलब हो गया कि यही वाले पांच सिग्नल्स बनेंगे। दैट्स इट। ओके नेक्स्ट आ जाओ। यस ये था आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकेशन। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेव नंबर फॉर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मतलब एक रेंज होती है ना, वो क्या है, वेव नंबर बताना है। तो वेव नंबर होता है उसका ये वाला 12,500 to 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स, ये होता है। अगर वो इसकी वेव लेंथ भी कई बार पूछ लेता है, तो वेव लेंथ का उसका थोड़ा उल्टा होता है, दैट इज 800 सेंटीमीटर टू 2500 सेंटीमीटर के बीच में होती है उसकी वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ एंड वेव नंबर आर उल्टा। देखो वेवलेंथ सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर इनवर्स, ये उल्टा होता है, ये वेवलेंथ ये होता है रिलेशन। ठीक है, सो ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफ्रारेड से है ये वाला क्वेश्चन। ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत सिंपल है। स्पेक्ट्रोस्कोपी पे वीडियोस चाहिए होंगी तो आप लोग बता सकते हो उसके लिए। नेक्स्ट आ जाइए। We are on question number 24. Two moles of gas at 1 bar and 298 Kelvin are compressed at constant temperature by use of constant pressure of 5 bar. The work done on the gas in joule is. Work kya hota hai? P delta V. What is work? Constant temperature bola hai, compressed bola hai, to positive hai na? आपको पता है एक्सपेंशन हो तो नेगेटिव ले लेते हैं, कंप्रेशन हो तो पॉजिटिव रहता है। तो ये हमारा आ गया बच्चे पी डेल्टा वी। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, प्रेशर इज कांस्टेंट, दैट इज फाइव, मैंने फाइव पुट कर दिया। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम के बारे में उसने कोई बात नहीं करी। वॉल्यूम का चेंज होता है तो मतलब कुछ दो वॉल्यूम होंगे, V1 V2। ठीक है, अब आ जाओ आगे बात, मैं समझाती हूँ। क्या आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है, PV = nRT, सबको पता है। यहां से हम वॉल्यूम की वैल्यू निकालें तो n अपॉन r, n अपॉन क्या ही हो रहा है मेरे को, n अपॉन PRT, P नीचे आ जाएगा है ना, n अपॉन, क्योंकि वहां पे क्या बोला हुआ है, उसने पहले बोला कि दो मोल्स हैं जिनका इतना प्रेशर है मतलब एट 1 bar एंड 298 केल्विन आर कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय द यूज ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। दिस मतलब प्रेशर दो बताए हुए हैं अलग अलग भी इक्वेशन में है ना। सो एक बार तो मतलब जो मेन प्रेशर है वो तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट रहने वाला है वो 5 है, पर एक प्रेशर 1 से 5 भी हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो अगर हम V1 करेंगे तो वो क्या होगी, NRT, तीनों कांस्टेंट है, अपॉन P1, एंड V2 क्या होएगी, NRT, सब कांस्टेंट है P2। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इसकी जगह पे पुट कर दो V की जगह पे, NRT अपॉन P2 माइनस NRT अपॉन P1, गॉट इट। आ जाओ आगे, बहुत सिंपल हो गया। आप तो NRT को बाहर निकाल लेते हैं, 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन P1, गॉट इट। वैल्यूज पुट करते हुए N, तो R की वैल्यू 8.314 होती है। टेम्परेचर यहाँ पे बेटा उसने 298 केल्विन दिया हुआ है, ये वाला 1 अपॉन P1 मतलब 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 1, तो ये तो 1 रह गया, ये 1 अपॉन 5 हो गया। ठीक है, इसके आप जब वैल्यू सॉल्व करोगे तो जो भी इसका आंसर मतलब इसको आप पूरा इक्वेट करके आंसर निकाल दोगे
ठीक है, और जो भी इसका आंसर आ जाएगा आई थिंक 19820 आएगा, ठीक है। और आपने क्या करना है, साइन नेगेटिव आएगा तो वैसे भी इसका आगे पी माइनस डेल्टा वी नेगेटिव, तो वो ओके कंप्रेशन में, तो वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। आगे आ जाइए, आ फैक्ट्री ऑपरेट्स विद द सुपर हीटेड स्टीम एट 300 थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है बच्चे, 300 डिग्री सेल्सियस एंड द डिस्चार्ज द वेस्ट हीट इनटू द एनवायरनमेंट एट 200 डिग्री सेल्सियस। थ्योरेटिकल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होती है नीटा, वो निकालनी है आपने। क्या बताया हुआ उसने, फॉर्मूला होता है वन माइनस, इसको चेंज कर लीजिए 300 को केल्विन में, 300 प्लस 273 मतलब 573 केल्विन, और इसको कर लीजिए 20 प्लस 273 दैट मीन्स 293 केल्विन। सो ये कुछ बन गया हमारा 573 अपॉन 293 केल्विन कर, सॉरी ऊपर हमने लिखना है द फैक्ट्री ऑपरेटेड विद द सुपर हीटेड स्टीम एट 300 एंड डिस्चार्ज द वेस्ट हीटेड, ओके। ऊपर आएगा लोअर वाला, ये वाली जो हीट होती है वेस्ट हीट इज द एनवायरमेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस वाली है जो, वो ऊपर रहेगी बच्चे, मतलब ऊपर रहेगा हमारा 293, नीचे रहेगा 573, तो आप माइनस कर दोगे 573 माइनस 293 मतलब जीरो आ गया, 17 में से 9 गए तो आ गया आपका 82, यही बनने वाला है, ध्यान से देख लीजिए, तो कैलकुलेशन में तो नहीं है कुछ, जीरो 17 में से 9 गए, 4 में से 2 गए, हाँ ओके 280 दैट इज डिवाइडेड बाय 573, और जो भी इसका आंसर आएगा वो बन जाएगा बेटा कुछ 48.8%, पता नहीं कुछ इतना बनेगा, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 49, ठीक है। इसको ऐसे निकाल देना है, मतलब मैंने करा क्या है 293, मतलब जो होता है ना वेस्ट हीट वाली वो ऊपर आनी होती है और जो सुपर हीटेड स्टीम वाला होता है वो नीचे आना होता है, हमेशा आपने ऐसे निकालना है माइनस करके 48.8 मतलब ऑलमोस्ट 49% हो जाएगा। यहाँ तक हमने टोटल 25 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, इन क्वेश्चंस में आपका कोई भी डाउट है, जनरल डाउट है या आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर उसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी बच्चे, आपको प्रोवाइड कर देंगे वो वाली वीडियोस। और यहाँ तक अगर कुछ और डाउट है, जनरल डाउट है, तो आप वो भी रख सकते हो। बाकी अगले 25 क्वेश्चंस के साथ जल्दी मिलते हैं, तो थैंक यू।